तो अभी अभी माल रोड पर क्या है कि थोड़ा सा कुछ हादसा हो गया था शायद। अगर 15 सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल आज की गुड मॉर्निंग हुई है शिमला के एक बहुत ही पावन और एक बहुत ही अच्छे मंदिर जिसका नाम है जाकू टेंपल, जाकू मंदिर, मंदिर में जो कि जाकू टेंपल श्री बजरंग बली जी का। वाओ, इनकी इतनी सुंदर प्रतिमा सामने लगी हुई है। और यहाँ पे एक चीज हो रहा है भाई, बंदरों से अपने सारे सामान, फोन वगैरह, कैप्स वगैरह सब कुछ बचा के रखना पड़ता है। और मुझे ध्यान आया कि मैंने भी कैप पहन रखी है, अब मैं भी बचा के रखना पड़ेगा या फिर इसमें डालना पड़ेगा हेलमेट में, तो अदरवाइज ये छीन लेंगे भाई। ठीक है, आ रहा है यो टोपा। अगर व्यू की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके का व्यू है और काफी अच्छा एक सुंदर गार्डन भी है जहाँ पे आप बैठ के अपना एक टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बहुत सुंदर यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना वो व्यू है, पेड़ों के बीच में ये मंदिर है, जाकू टेंपल, जाकू मंदिर देख सकते हो सामने। बहुत बढ़िया दर्शन हुए गाइस, और यहाँ पर एक सीन बहुत भयंकर है बंदरों का। तो हमने क्या किया, अगर बंदरों के साथ कलेश होता है इधर हेलमेट खा आएगा, हेलमेट पहन के लड़ा जाएगा भाई साहब। तो मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो सायरन बज चुका है, हम आ चुके हैं, हमारा स्वागत हो चुका है माल रोड शिमला में। तो भाई बेहतर सायरन के साथ स्वागत किया गया हमारा, पहुंचने वाले अभी। कैसा लग रहा आपको स्वागत? एक नंबर। शिमला मेन मार्केट कह सकते हैं जिसे, माल रोड भी आ चुके हैं उसके एक पार्ट में जहाँ पर चीज़ें काफ़ी मिलते हैं भाई, दारू वगैरह सब कुछ अवेलेबल, और गरम कपड़े वगैरह, टोपियाँ वगैरह बच्चों की भी काफ़ी चीज़ें हैं। नाइस। तो जी हाँ, यह है यहाँ की वेशभूषा, बहुत अच्छी। हर बाज़ार अपने एक इलाके का पारदर्शित होता है, मतलब वो एक रिप्रेजेंट करता है अपने एक एरिए को कि वहाँ क्या पहना जाता है या फिर क्या उड़ा जाता है। तो शिमला, शिमला की खूबसूरती, उसके एप्पल्स और उसकी पेंटिंग, नाइस। शिमला एक शहर, एक खूबसूरती का शहर, और जहाँ साफ सुथरी वातावरण के साथ यहाँ का हर एक माहौल है, देख सकते हो रोड वगैरह या फिर कोई भी कलाकारी, हर चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी। Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, बहुत सुंदर चीज़ ये मुझे लगी माल रोड पर। उसके अलावा मुझे कुछ खास ज़्यादा लगा नहीं माल रोड, दुकानें वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं है शॉपिंग के लिए, सिर्फ थोड़ी बहुत है, घूम सकते हो और व्यू का आनंद ले सकते हो, उसके अलावा कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे। जी हाँ, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस। तो अभी अभी माल रोड पर क्या है कि थोड़ा सा कुछ हादसा हो गया था शायद, तो इसीलिए एम्बुलेंस अभी गई है यहाँ से एक मरीज को लेके। तो अभी बात करते हैं हम शिमला मॉल रोड, और मॉल रोड में हम चल रहे हैं फिलहाल, तो तकरीबन सेम बिल्कुल मनाली वगैरह या फिर किसी भी हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, सेम वहाँ की थोड़ी शॉल वगैरह या फिर जैकेट्स वगैरह या फिर कैप्स वगैरह आप इंक्लूडेड ले सकते हो, या फिर लेडीज़ में या फिर होम लाइफस्टाइल में आप जो भी, जैसे किचन वगैरह का सामान, लकड़ी से बना सामान या फिर कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप, तो वही चीज़ें हमें हर वहाँ पर मिलती हैं। कुछ भी यूनिक, एक अलग आर्टिकल जो होता है वो हर एक इलाके का अलग जैसे डिज़ाइन में होता है, जैसे कि शिमला में यहाँ की ड्रेसेस, मनाली में वहाँ की टोपीज़, और
यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी। तो मार्केट सब जगह की सेम है, कुछ यूनिक मुझे नहीं लगा। बाकी साफ़ सफाई के मामले में शिमला एक नंबर भाई, एक नंबर। तो काफ़ी जगह हम घूम चुके हैं, का ये ट्रिप स्पीति का, विंटर स्पीति का अब एंड हो चुका है। इसके बाद हम बातें करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग्स के बारे में। अभी फ़िलहाल ब्लॉग यहाँ तक का ही था, और नज़दीकी क्या है कि स्पीति में अभी बर्फ़ नहीं है और ना ही अभी शिमला में है, तो इसको हम नेगेटिव एक पॉइंट के बारे में मान सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है। बट इसके अलावा कोई सिंपल मुझे यूनिक चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आई। तो शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी हो गई, मैंने शॉपिंग की है कुछ, लेकिन उसको दिखाऊंगा मैं घर जाके सरप्राइज तौर पे। इसका एक वीडियो बनेगा, थैंक यू वेरी मच। अभी वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ब्लॉग का करता है यहीं पे समाप्त, और हम शिमला में फिलहाल, शिमला मॉल रोड, और बहुत ही बेहतरीन और साफ सुथरा जिसे बोलते हैं वो एरिया है। और भाई बहुत मज़ा आ गया शिमला देख के। तो ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं हम।